ऐसा कहा जाता है कि साल का पहला दिन आप जो करते हो पूरा साल आपके साथ वही होगा। अब ऐसा है तो क्यों ना साल का पहला दिन किसी शांत पहाड़ी गांव में बिताया जाए। राइट नाउ मैं अभी हूँ हिमाचल के एक छोटा सा विलेज रूमसू में और आज है 1 जनवरी 2024। तो सबको हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर और आपका साल बहुत ही अच्छा कटे। और इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पूरा साल मैं अच्छे से कंटेंट डालूँ और यूट्यूब और इंस्टा में ग्रो कर पाऊँ। फिर भी थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली मैं वीडियोज़ डाल नहीं पा रहा हूँ, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना है और देखते हैं क्या कुछ होता है इस साल। और इसलिए साल का पहला दिन हम आए हैं रूमसू नामक एक माउंटेन विलेज में जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मैप में मैंने देख के इधर डायरेक्ट आ गया विदाउट बुकिंग विदाउट प्लानिंग के। यहाँ पे 200 से 300 घर ही है और गांव वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो एक भाई ने अभी मुझे गांव घुमाया। नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव और मैं रूमसू गाँव का निवासी हूँ। आज सुजीत भाई को मैं अपना गाँव घुमाने वाला हूँ। बस ढसी सी यू नो हर गांव में कॉमन सा बात है। हाँ वही ठहरा और शांति, क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी कोई रेस है नहीं, बस खुशी से जियो। और इसीलिए हम भी चले आते हैं कभी कभार इस खुशी का हिस्सा बनने। लेकिन ये खुशी और भी डबल हो जाता जब पूरा गांव स्नो से कवर किया हुआ दिखता। बट क्लाइमेट चेंज इज रियल। पहले यहाँ पर ना 5-6 साल पहले बड़ा मतलब जल्दी नवंबर में 15 नवंबर के बाद बर्फ़ पड़ जाती थी। पर अभी नहीं पड़ रही है, बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पेड़ कट रहे हैं, इसकी वजह से बड़ा भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नहीं तो बर्फ़ पड़ता तो और भी खूबसूरत लगता है। हाँ बहुत खूबसूरत लगता है। अभी शायद 10 जनवरी में 15 जनवरी के बाद पड़ जाए। 10 तारीख को दिखा रहा है क्या यहाँ पर स्नोफॉल है, लेकिन मैं तो गारंटी नहीं है ना, बोल नहीं सकते। क्लाइमेट चेंज है, अभी टेम्परेचर ठंड भी नहीं आ पर अभी है। नहीं तो ज़्यादा ठंड होती तो पड़ सकती थी, पर तो अब सिर्फ माउंटेन में ज़्यादा माउंटेन में मिलती है। डेली लाइफ से तंग होकर दूर दराज किसी शहरों से हम आते तो हैं नेचर के गोद में, बट हमारे जाने के बाद छूट जाते हैं हमारे फैलाए हुए कचरे का ढेर। सो प्लीज़ खाओ पियो ऐस करो, बस अपना कचरा इन खूबसूरत जगहों में फैलाना मत, बस नीचे ले जाओ साथ में डस्टबिन में फेंक दो। क्यों ख़राब करना है ऐसे खूबसूरत जगहों को। एरा मेरा कचरा मेरे जेब में। नमस्ते, रूमसू गांव में आपका स्वागत। हेलो, जो ये मंदिर है ना, ये है 350-300 साल पुराना है और यही मंदिर साल में दो बार निकलेगा, एक जून एक फेब में निकलेगा और फेस्टिवल के दिन ही निकलता है। इसमें यहाँ पर देखेंगे आप जो ये है, इसमें ट्रेडिशन है नाचने का, जो यहाँ की कल्चर में जो डांस की फॉर्म है उसको बोलते हैं नाटी, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऊपर कामा सूत्रा के कुछ पिक्चर बनी है, उसके बाद हाथी घोड़े और बूटन का पूरा बना हुआ है। और जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं काटकुनी। काटकुनी जी, काटकुनी स्ट्रक्चर है। जो आप मेरे पीछे घर देख रहे हो ये है काटकुनी वास्तुकला से बना हुआ और यहाँ पर 250-300 घर काटकुनी में बने हैं। और इस स्ट्रक्चर की खूबी ये है कि अगर भूकंप आए तो ये टूटेगा नहीं। इसके छत पर एक पत्थर लगा है जो आपको बीज का जो बीज पड़ती है ना, जो बिजली कटती है तो उसको रिफ्लेक्ट करता है, घर पर पड़ने देता है। इधर 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 खड़े हो जाओ, इधर इधर स्माइल, इधर देखो मिस्टी, ऐसे करो। नहीं मैं तो चली ना, वो तो मिस्टी गिर जाएगी तू। चार है कौन रहा भाई? कलकत्ता से है? कलकत्ता से ट्रेन में आया, उसके बाद बस में ऊपर आया टैक्सी में। आपका घर कहाँ है? हमारा भी यही है गांव में गिलीच। चलो अब चलो। साल 2024 जो कि 5G की स्पीड से भाग रहा है और गांव में लोगों को अभी भी स्लो लाइफ पसंद है। बच्चे अपने मम्मी पापा के जमाने वाले खेल से खुशी हैं। अब ऐसा नज़ारा किसी गाँव में ही देखने मिलेगा। दैट्स व्हाई आई लव विलेज, देयर स्लो लाइफ एंड साइलेंट नेचर। थैंक यू भाई गांव घुमाने के लिए, मिलते हैं। ओके मिलेंगे, ठीक है भाई। ओके बाय। तो जस्ट मैं अभी गांव पूरा घूम के आया, थक गया घूमते घूमते। एक छोटा सा गांव था जिसमें कि 200-300 ही घर थे और बहुत ही छोटा गांव,
जो कि मैं एक दिन में घूम सकता था, लेकिन आज मेरा दो दिन हो चुका है और मैं कल आया था, तो बहुत जर्नी करके आया था तो मैं कल घूम नहीं पाया था और आज पूरा गांव घूम लिया। तो जब घूमना कंप्लीट हो गया तो हम अभी निकल रहे हैं मनाली के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राइट नाउ मैं हूँ हिमाचल के ओल्ड मनाली पे और आज है 2nd जन। तो लास्ट ईयर भी मैं मनाली आया था और इस बार मैं आया हूँ फैमिली ट्रिप में। तो मेरा फैमिली कल आने वाला है 3 तारीख को और आज मेरा पूरा टाइम है, पूरा डे है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आज थोड़ा सा हाइक में जाऊँ और एक पास में एक सुंदर जगह है जो कि है लाम दुर्ग करके एक जगह है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ। मेरा तो आदत ही है थोड़ा सा लेट निकलना क्योंकि अभी 10 बज चुका है और ट्रैक के लिए तो जितना अर्ली हो सके आप लोग निकलो। मैं तो हमेशा ही लेट निकलता हूँ, जैसे कि जुगू ट्रैक में भी निकला था सेम। तो अभी जल्द से जल्द निकल रहे हैं इसलिए कैमरा हाथ पे निकाल के बात कर रहा हूँ और फिर चलते हुए मिलते हैं। एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि लामदुम जाने का रास्ता गूगल को तो क्या मुझे भी नहीं पता, तो लोगों को पूछा और पहला पॉइंट है हडिम्बा देवी टेम्पल, आप इस साइड से जा सकते हो। तो जाते टाइम बाहर से ही प्रणाम करके आप निकल जाना। ओल्ड मनाली से चलते हुए ट्रैक पॉइंट तक आ चुका हूँ और जगह कुछ ऐसा है और हमारा ट्रैक शुरू होता है यहाँ से। अभी यहीं से जंगल से होते कहीं पर जाना पड़ेगा, ऊपर एक बड़ा पत्थर है तो पहले बड़ा पत्थर तक जाते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं और ऊपर जाने का। टू हार्ड। पता है सोलो हाइकिंग में सबसे चैलेंजिंग पार्ट यही है कि खुद को शूट करने के लिए बार बार पीछे जाओ और आओ, लेकिन करना पड़ता है। तो ऊपर जो पत्थर दिख रहा है अभी तक हमारा डेस्टिनेशन वही है, तो इधर से अभी जाना पड़ेगा। रास्ता और भी एक्सट्रीम हो रहा है और बहुत ही नीचे से हम आए, कुछ दिख रहा होगा घर उधर। तो ओल्ड मनाली से चलते हुए हम आए और लगभग 3.5 घंटा से ऊपर हो गया है मेरा चलते हुए और अभी भी मुझे चलना है ऊपर तक। तो अभी समय हो रहा है 1:30 और मैं अपने हॉस्टल से निकला था 9:30 बजे, मतलब 3.5 घंटा मेरा हो चुका है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जगह का नाम है बड़ा पत्थर, यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है लेकिन मैप में इसका अलग ही नाम दिखा रहा है, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा कि क्या नाम है। और यहाँ से पूरा मनाली दिख रहा है, बहुत ही ऊपर है ये, अभी देखेंगे कि कितना अल्टीट्यूड पे ये जगह है। और ऊपर एक मेट्रो टाइप है उधर भी चलते हैं, लेकिन इतना दूर पहुँचे हैं तो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं इधर के भी नज़ारे को और आप लोगों को दिखाते हैं। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी मेरा इस मोड़ पर चलना शुरू कर देगा। अच्छा लगता है क्योंकि जो रास्ता मैंने चुना है उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। आसान तो है नहीं बट आई एम हैप्पी क्योंकि मैं ये सब दिल से जो कर रहा हूँ और दिल से किया हुआ काम आखिर में खुशी ही देता है। या फाइनली डन, पहुँच गया लोकेशन तक। तो फाइनली आज का डेस्टिनेशन यही है हमारा, एक छोटा सा मेडो है। इस जगह का भी मुझे नाम नहीं पता, मैं रैंडमली फ्री था आज तो आ गया घूमने के लिए और जो नीचे बड़ा पत्थर था वहाँ से बस 5 मिनट की वॉकिंग में ये जगह है, बहुत ही खूबसूरत है। बस यहाँ पे 2 घंटे बैठना है जब तक सनलाइट चला जाता है, फिर नीचे उतरेंगे और साथ में मैंने मैगी लाया था नीचे से, तो अभी उसको निकालेंगे, थोड़ा सा खाते हैं पीते हैं और टेस्ट करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं जो खूबसूरत नज़ारे को और थोड़ा सा चिल करते हैं। यू नो गाइस, आउटडोर एवरीथिंग टेस्ट बेटर बट पहाड़ों में नूडल्स मिल जाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन अलग ही है, सही में। एक पैकेट मैगी के भरोसे आज जो मैं पहाड़ चढ़ पा रहा हूँ
मेरे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, बिकॉज बहुत टाइम तक मैं एक कंफर्ट जोन में जी रहा था, जहाँ से निकल के इतना सब कर पाना मेरे लिए एटलीस्ट इम्पॉसिबल था, बट नामुमकिन नहीं। इसलिए आप कुछ भी करो, बस खुद पे भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, और इसी भरोसे के दम पे मैं आज ट्रैवल को फुल टाइम देने जा रहा हूँ। बस आप लोगों का साथ रहा तो कहीं तो पहुँच ही जाऊँगा, तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कर देना। तो जैसे कि देख पा रहे हो सनलाइट जा चुका है, तो अभी चलना पड़ेगा नीचे। अभी समय हो रहा है 3:30 और चलते हुए शायद पहुंच जाएंगे 2 से 2.5 घंटे में, क्योंकि नीचे जाते टाइम थोड़ा सा कम ही टाइम लगता है। बहुत ही अच्छा था यह जगह, आज का दिन भी अच्छा गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही।